वेलकम फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। एक ऐसी क्लास जिसमें से आपकी खोई हुई उम्मीदें वापस आती है। जी हाँ, अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आज आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। आपके सामने कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल है, इनको नोट कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाली है। व्हाट्सएप नंबर जो कि सभी के लिए है सामान्य नंबर, आप इस पे अपने विचारों को लिख कर भेज सकते हैं और हमारे संपर्क में रह सकते हैं। इस नंबर को व्हाट्सएप में सेव करें और 24 घंटे के अंदर आपको हमारी व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लगेंगी, वहां से आप अप टू डेट होते रहेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की इंक्वायरी, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर वीडियो कोर्स के लिए विजिट करें आपकी अपनी वेबसाइट pdrstudy.com और इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर पूरी क्लास का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो कांटेक्ट करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, JOIN ज्वाइन लिखकर भेजें और पूरा कोर्स देखें। पीवीआर स्टडी को ऑफिशियल फेसबुक पेज अवश्य फॉलो कर लें जिससे कि आप अप टू डेट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे गुणा। जी हाँ, गुणा मतलब जानते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती इस वजह से आपको हिंदी में ही बताते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे गुणा होता क्या है। DLED के प्रथम सेमेस्टर में आपने देखा होगा ये टॉपिक, लेकिन ये जीरो लेवल की क्लास है तो आपको बिल्कुल इस तरह से समझना है कि जैसे आप अभी क्लास 4 या 3 में बच्चे हैं। बिल्कुल बचपन को याद करिए, कितना खूबसूरत एहसास होता है। वैसे पहुंच जाइए वहीं पे, आपने गेस कर लिया, इमेजिन कर लिया, अब यहां पे आ जाइए, मत ज्यादा मत खोइए। देखिए इसमें इधर हम देखेंगे एक से जब गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इधर देखेंगे जब जीरो का गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गुणा हो, जोड़ हो, कोई इंसान हो या पशु पक्षी हो, सभी का कोई ना कोई गुण होता है। गुण मतलब जानते हैं फीचर, हमारे समझ से होता है ना, प्रॉपर्टी। देखिए अगर किसी भी नंबर का 1 में मल्टीपल करते हैं, यानी कि 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या उत्तर होती है। अभी दिखाएंगे करके। अगर किसी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो भी वही संख्या हमेशा उत्तर होती है। जैसे अगर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, अगर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 3 होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये भी 5 ही होगा। समझ गए ना, ये तो 1 की प्रॉपर्टी थी। इतना ही नहीं कि 1 था 3 था इसलिए ऐसा हुआ, अगर इस पे कोई और बड़ी संख्या होगी, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, तो मैं आपको आगे बताता हूं, फिर से कर लीजिए, मैं नहीं मिटाने का हूं। जीरो की प्रॉपर्टी देखिए, पहले कोई छापेगा नहीं, हम बता देंगे जो चीज बता रहे हैं, फिर हट जाएंगे आप लोग, वीडियो को रोक करके खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, हम अभी आगे से हट के आपको बोलेंगे वीडियो रोकने के लिए, बिल्कुल हमें पूरा ख्याल है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम छेक के खड़े हैं बस तुरंत आगे हट बढ़ जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जब जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अगर जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो भी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर आप दूध में 20 मिलाते हैं तो क्या होगा, पूरा दूध मिसाला हो जाएगा, चाहे 1 लीटर दूध हो चाहे 15 लीटर दूध, मत करिएगा मत ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं इसको समझने के लिए, बट एग्जांपल बहुत खतरनाक है। अगर आप 20 में दूध मिलाते हैं तो तभी तो विषैला ही होगा, चाहे आप थोड़ा सा मिलाएं तो या ज्यादा मिलाएं तो काम वही करेगा ना। समझ रहे, कहने का मतलब ये है कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो होगा, और किसी भी संख्या से जीरो में गुणा करेंगे यानी कि तब भी क्या होगा, जीरो होगा। दोनों दशा में जीरो आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ये नियम जो है सभी संख्याओं पे लागू होते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। अंतर समझ गए, जो इसको लिखना चाहे जल्दी करें, तुरंत स्क्रीन पे टच करें और वीडियो को रोक लें और फिर लिख लें, या फिर अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट सभी के पल्ले नहीं पड़ता है, क्या होता है कैसे करते हैं। वैसे तो फिलहाल आपको सब कुछ सिखाया जाता है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आता तो बिल्कुल आपको यह भी सिखाया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये देखिए अगर इसका गुणा 1 में करेंगे,
या दूसरा जो आपका था 9, 2, 7 इसका गुणा 0 में करेंगे। हमने आपको बताया था एक का किसी भी नंबर में या फिर किसी भी नंबर से एक में गुणा करते हैं तो उत्तर वही संख्या होती है। क्लियर। अगर इसका गुणा हम 0 में करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि यही संख्या रहे। अरे भाई स्वतंत्र है, आप इसके आगे 1 लिख दीजिए, इसके आगे 9, 3, 2, 1 लिख दीजिए, तो क्या होगा, उत्तर में यही बढ़ जाएगा और बस जो आपने लिखा। समझ गए ना, ये तो 0 ही रहेगा, चाहे इसके आगे कुछ भी बढ़ा दीजिए आप, ये कुछ भी बढ़ा दीजिए, उत्तर तो वही रहेगा, 0 ही, बदलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं आप ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा। ये टॉपिक आपका अभी और आगे थोड़ा सा चलेगा, हल्का सा आगे चलेगा, बस ज्यादा नहीं चलेगा। नोट करना चाहे नोट कर ले, जब भी हम आगे से हटे तुरंत बोलते हैं कि नोट कर ले, तो आप लोग वीडियो को तुरंत उस पर रोक लिया करें, क्योंकि हम यहाँ पर खड़ा होकर आपको नोट नहीं करवाएंगे, नहीं तो कुछ लोग नाराज होने लगते हैं। अगर 0 का गुणा 0 में करेंगे तो हमेशा 0 ही होगा। अब इसमें तो कुछ पलटने वाला नहीं कि इधर का उधर कर दे, उधर का उधर। समझ गए ना। अगर गुणा की बात हो रही, इसमें मैं भाग की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए आपका। अगर किसी भी संख्या में एक से भाग करते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत कंफ्यूजन करता है सभी को, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सवाल नंबर मैं 10वां लिख देता हूं, इमेजिन करिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है और ये बी है। ए नंबर ऑप्शन है 0 होगा, बी नंबर ऑप्शन है अनंत होगा। ये सवाल नंबर 11 बन जाएगा आपका, इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा अनंत और बी नंबर ऑप्शन होगा 0। जल्दी से 11 और 10 का आंसर दीजिए। हो गए सभी के कमेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही कमेंट किया होगा। बिल्कुल, तो ये कितना आएगा मैं आपको बता दूं, ये आएगा 0 और ये आएगा अनंत। अनंत का चिन्ह होता है ऐसे, 2 0 बना लो बगल बगल से, काट दो बस एक, ठीक ना। लेकिन होता कैसे और क्यों होता है, ये भी तो प्रश्न है ना। आइए दिखाते हैं, पहले एक एक करके इसको कैसे करेंगे हम। एक से भाग करेंगे 0 में, आप जानते हैं एक का भाग 0 में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं जाएगा। कैसे, अगर एक का भाग इसमें एक बार ले जाए तो कितना होगा। अरे भाई एक का भाग एक बार ले जाने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, एक गुणा एक मतलब आ जाएगा एक, ज्यादा हो जाएगा 0 से ना, इसका मतलब एक बार नहीं जाएगा तो क्या 2 बार जाएगा, 2 1 का 2 तब तो और ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा लेकिन जाएगा। वो कैसे, एक से छोटा भी तो कुछ होता है ना, 0, तो 0 बार जाएगा और यहां 0 आएगा। समझ गए ना, मतलब अगर आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, एक का गुणा करिए 0 में और इसमें फिर इसको जोड़ दीजिए, किसको, 0 को, और 0 आना चाहिए। आइए मैं इसको सीधा करके दिखाता हूं। ये आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक धन भागफल, ओ सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है ना। देखिए भाज्य हमारा ये है 1, जिससे मैं भाग करते हैं वो भाज्य होता है, भाज्य 0, भाजक जिससे भाग करते हैं भागफल वो है जो ऊपर जाता है, शेषफल जो है नीचे आता है। ये 0 है इधर, इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, देखिए 0 बराबर 0 सिद्ध हो गया, ये सही है। समझ गए ना, मैथ में आप कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 0/1=0 होगा, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। हाँ, कुछ लोग को यहाँ पे आफत हो रही होगी कि भाई इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो घटा लीजिए, दिक्कत क्या है, सारी प्रक्रिया पूरा कर दीजिए तभी तो 0 आएगा। समझ गए ना, इसलिए इसको लिखते हैं 0/1=0। कुछ लोग रटते हैं कि भाई 0/1=0 होगा, 1/0 इनफाइनाइट होगा, पेपर में जाते हैं दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, कहीं कंपटीशन में या कहीं भी आता है और वो सोचते रहे यार ये तो ऐसा था, अच्छा वैसा था,
फिर क्या करते हैं, इसका उसका 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 कर देते हैं, उसी में सब हो जाता है गड़बड़। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, मैं आपको ये भी क्लियर करके दिखा देता हूं। देखिए इस क्लास में टाइम चाहे जो लग जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि क्लास में एकदम पीछे सीट पर बैठा हुआ जो भी कैंडिडेट है उसको भी समझ में आना चाहिए। बाकी जो तेज है उनको तो सब पढ़ा देते हैं, पीवीआर स्टडी में आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए आगे, वन में भाग करना जीरो से। अब जीरो का भाग वन में चाहे जितना बार ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? जीरो का भाग हम इसमें मान लेते हैं कि ले गए 15 भाग, और यहां तब वो जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसमें भाग ले जाते हैं इस भाजक से उसमें गुणा करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे करते हैं, तो मैं यहां दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आप समझेंगे तो। इसको आपने नहीं नोट किया था तो थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ये आप इससे तो परिचित होंगे ना, ये दो तिहाई छा होता है, हो गया ना? मतलब ये कि जो हमारा यहां 6 आया वो इसका इसका गुणा करने पर आया, 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आया था। समझ गए? वैसे जो यहां पे आएगा वो इस 0 का इसमें गुणा करने पे आएगा, तो 15 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं यहां 15 ना लिख करके 45 लिख दूं तब कौन सी बला है? कोई बुरा नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं, तब भी यहां 0 ही आएगा। समझ गए ना? अगर मैं इस पे 450 लिख दूं तब भी कुछ गड़बड़ नहीं है, तब भी यहां क्या आएगा? 0 ही आएगा। कितनी बार भी ले जाइए क्या आएगा? 0 आएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे ना तो फिर 1 आ जाएगा, और फिर आपकी नई परेशानी शुरू। अब आप इसमें फिर भाग ले जाइए 1 में, कितना बार भी ले जाइए, जितनी आपकी इच्छा उतनी बार ले जाइए, आप एकदम फ्री हैं। मान लेते हैं कि हम इसमें 5 बार ले जाते हैं, ज्यादा नहीं, फिर यहां 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। सिर के बाल पक जाएंगे, वैसे तो पक गए होंगे, मेरे भी पके हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं, कभी ना खत्म होगा। मतलब ये बोर्ड के नीचे निकलता चला जाएगा दीवार में, जमीन के नीचे, कटेगा नहीं। और इसलिए क्या करते हैं, इसका उत्तर अनंत यहां लिख देते हैं, इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट। इतना अच्छे से इसमें मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप लोगों ने, अक्सर लोगों ने इसमें से क्लास ज्वाइन किया हुआ है। और दूसरा नंबर, आप लोगों के बहुत सारे इस तरह के सवाल भी आते थे, ऐसी ही बात नहीं कि ज्वाइन किया इसी वजह से। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को एक क्लास में मिल गए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए जो जो लिखना चाहे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गए ना सभी के? आपका होमवर्क तैयार हो चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए और हल करके नंबर पर भेजिएगा, जो कि आप सभी को पता है। लगभग मैं 25,000 से 30,000 कैंडिडेट को ये नंबर पता है। जी हाँ, व्हाट्सएप मालूम है ना, ऊपर नंबर दिया गया है 9793488448। डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर दिया गया है। अगर आपको कमेंट करना नहीं आता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप निसंकोच इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारी टीम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से एक नई क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी थोड़ी देर में रात्रि 8 बजे से आपकी कंपटीशन की मैथ होगी। और हाँ, टाइम का शेड्यूल देखने के लिए, जो भी नया शेड्यूल अपडेट होता है यूट्यूब पर सभी के लिए फ्री का, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स आसानी से प्राप्त करने के लिए क्लास ज्वाइन करें और उसका शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, इसलिए प्रत्येक वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य देखा करें, ठीक है ना? अगर कोई शिकवा गिला है, कोई शिकायत है, तो अपनी सब कुछ कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। कृपया इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा और दोस्तों को शेयर करके जाइएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आज की क्लास बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।